नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो स्कूल व कॉलेज या फिर आप कह सकते हैं यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज की ओर से कॉलेज को फाइनली रेगुलर ओपन करने का बड़ा ऐलान किया गया है, अनाउंसमेंट किया, उसके बारे में कब से स्कूल और कॉलेज ओपन होंगे इसके बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज छात्रों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं दो बड़ी यूनिवर्सिटियों ने अनाउंसमेंट किया, पहले देख लेते हैं। ये अनाउंसमेंट हुआ है जितने भी मध्य प्रदेश के छात्र हैं उनके लिए, पहली ये इंपॉर्टेंट न्यूज ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एमपी की ओर से ये अनाउंसमेंट हुई कि उच्च शिक्षा मंत्री ने अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में आगामी 15 सितंबर 2021 से सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में 50% छात्र संख्या के साथ कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए संचालन प्रारंभ किया जाएगा। यानी 15 सितंबर से जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं उसमें जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, ध्यान से समझ लीजिएगा, वो भी 50% छात्रों के साथ कोविड की गाइडलाइन को ध्यान रखते हुए। तो 15 सितंबर से आप रवि के कॉलेज ओपन हो जाएंगे मध्य प्रदेश के जितने भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज छात्र, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। जल्द ही अन्य यूनिवर्सिटी भी अनाउंसमेंट करेंगे तो हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कर देंगे। और देखते हैं दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है जो अनाउंसमेंट किया है ओपन करने का, और दूसरी जो बड़ी अनाउंसमेंट की गई है वो बेची की ओर से करेगी। आप सभी को मालूम है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि टॉप विश्वविद्यालय में से एक है, इन्होंने कहा है कि 1 सितंबर से चलेंगी ऑफलाइन क्लास, जाने क्या रहेंगे गाइडलाइन। यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 1 सितंबर से ऑफलाइन क्लासेज चलेंगे जो भी यूनिवर्सिटी के बीएससी बीकॉम या फिर एमएससी एमकॉम के जो छात्र हैं उनके लिए, और क्या गाइडलाइन होंगी, क्या पालन करना होगा, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लिखा है कि कोरोना के मामलों में राहत को देखते हुए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ऑफलाइन क्लासेज BHU ऑफलाइन क्लासेज शुरू की जाएंगी। इस संबंध में 1 सितंबर से शुरुआती दौर में UG और PG यानी BBSC BCom MMSC MCom कोर्सेज के फाइनल ईयर के छात्रों के लिए क्लासेज चलाई जाएंगी। ओके, और लिखा है कि यूनिवर्सिटी के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर राजेश सिंह ने बताया कि 1 सितंबर से ऑफलाइन मोड में अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए क्लासेज चलेंगी। इस दौरान छात्रों को मास्क के साथ हैंड सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। स्थितियों के आकलन के बाद अन्य वर्ष के छात्रों के लिए भी यूनिवर्सिटी प्रशासन बाद में फैसला लेगा। और इसमें लिखा है यूनिवर्सिटी के फैसले के बाद UG और PG के अंतिम वर्ष के छात्र कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पढ़ाई कर सकेंगे। यानी कि जो भी BHU के BA BSc BCom या फिर आप कह सकते हैं MA MSc MCom के जो अंतिम वर्ष के जो छात्र तृतीय वर्ष की उनकी जो क्लासेज हैं वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी ऑफलाइन मोड में। यानी आप लोगों को अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाना होगा, वहीं पर आप सभी की क्लासेज चलाई जाएंगी। जल्द ही फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों के बारे में अनाउंसमेंट होगा, उनकी भी क्लासेज चलेंगी। तो अभी के लिए यही सबसे बड़ी अपडेट थी जो कि आपको जानना बहुत जरूरी था। जल्द ही अन्य यानी भारत के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज जल्द ही ओपन हो जाएंगे तो हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कर देंगे। बस आप लोग कमेंट में अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट में लिखिएगा, जिससे कोई भी अपडेट आए हम आप तक प्रोवाइड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।